जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद है। सुबह का अभी 8 बज रहा है, मेरा रोज का काम खत्म हो गया, नहा करके पूजा भी कर लें। बहुत ठंडी पड़ा है, पातू रो रहा क्यों पता नहीं, उसको खाना मांगना, प्रसादी तो खाया, पूजा करके जो प्रसादी दिए तो खाया, अभी रो रहा क्यों पता नहीं छत के ऊपर। सब्जी बन के रेडी हो गया, ना रोटी पराठा बनानी है, नाश्ता निकालने हैं। नाश्ता हो गया, नाश्ता करके बर्तन सोमा धो ली है, हम छोटा मछली खरीदे हैं। छोटा मछली धोने में टाइम लगता है बहुत, इसीलिए उसी को धोने में लगे हैं, धो लिए हैं। अभी कढ़ाई भी चूल्हा पर बैठा दिए हैं, तेल डाल दिए। ये देखिए छोटा मछली धोए हैं, इसमें थोड़ा झींगा मछली और दूसरा मछली है। अरे इस सबको धो धा करके साफ किए हैं, अभी गैस पर चूल्हा भी बैठा, ये चूल्हा पर कढ़ाई भी बैठा दिए हैं। मछली सब धो लिए, लेकिन नमक हल्दी नहीं लगाए हैं, नमक हल्दी लगाएंगे जा रहे हैं। नमक और हल्दी डाल दिए हैं, यहाँ पर रोज रोज छोटा मछली नहीं मिलता, मार्केट जाने से मिलता है, घर का सामने आया था। बड़ा मछली फ्राई कर ली है, छोटा मछली भी फ्राई कर रहे हैं। ये सब मछली सोसो पीस के प्याज हरा मिर्चा सोसो लेके बनाएंगे। प्याज और हरा मिर्चा फ्राई कर रहे हैं, इसमें मछली सोसो पीस के रखे हैं। इधर थोड़ा मछली हल्का फ्राई हो जाएगा तब सोसो डाल देंगे, इसमें ज्यादा चलाएंगे ये वाला, ये पचली ना तो वो टूट जाएगा, इसीलिए हल्का हल्का फ्राई करके उसमें सरसों हरा मिर्चा जीरा पीस के रखें, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, फिर इसमें डाल देंगे। इसमें पानी डाल दिए हैं, सरसों जीरा और हरा मिर्चा जो पिसा हुआ मसाला था वो डाल दिए हैं। इसको चूल्हा पर बैठाने से बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो चूल्हा जलाए नहीं, कहाँ बैठाएंगे, गैस पर बैठा दिए हैं। सरसों देके मछली का बाटी चचड़ी हो गया है, सब्जी बन के रेडी हो गया, आलू बैगन मछली देके कड़ी बनाए हैं, टमाटर डाल के, पत्ता गोभी, मटर छिमी, मछली का मुंडी देके बनाए हैं, और मछली का सरसों पीस के बनाए मछली फ्राई। आज का मेनू यही है। इधर पानी चढ़ाया अभी, आसमान में जो बादल नहीं छाया हुआ था, वो बादल जिससे मतलब हट रहा है, वैसे ही धूप ज्यादा निकल रहा तो ठंडी थोड़ा ज्यादा तो लगे गई। ठंडी का दिन में ठंडी लगेगा, गर्मी में गर्मी लगेगा, बरसात में बारिश, ऐसा होते रहेगा। बहुत ठंडी है अभी, जैसा कप बिस्तर का नीचे घुस जाए ऐसे ही। डिनर कर लिए, बर्तन भी धो लिए, टॉफी देखिए, टॉफी आई डिनर नहीं किया, देखिए चुपे से आके यहाँ बैठा है, दिखा रहे हैं आप लोग के, यहाँ चुप से आके बैठा, पता नहीं उधर नहीं सोया, सोमा के पास में सोता था बैठता था, क्या हुआ यहाँ आके बैठा चुपे से, दूध रोटी छोड़ के आज उसको खाने को मन नहीं है सर। क्या हुआ टॉफी, अरे कई दिन से नहला नहीं रहे क्योंकि उसको ना ठंडी पड़ा है, इसीलिए नहला नहीं रहे। सोचे थोड़ा ठंडा कम हो जाएगा तब नहलाएंगे, पता नहीं, पहले तो डरता नहीं था, आजकल थोड़ा डरता है, रात होने से ही उसको डर लगता है। ये तो बेचारा हम लोग के पास में सो जाता है, रजाई उड़ा दे लेते हैं, अंदर में घुस जाता सो जाता। पतलू तो बाहर में छोटा छोटा डॉगी बच्चा जो लोग बाहर, और जो बाहर में डॉगी लोग है वो लोग को तो उड़ने दीजिए, पतलू को भी उड़ने दीजिए, नहीं उड़ेगा, गिरा देगा, बिछा दीजिए सो जाएगा। हम सुबह जब जागते हैं तो बच्चा का माँ है ना, वो देखते हैं, पता नहीं बोरा रोड में गिरा था ना क्या, उसका ऊपर सोया था, सुबह देखे हैं हम। ये लोग को ओढ़ा देने से शरीर में नहीं रखने को, टॉफी भी थोड़ा देर रजाई का अंदर, कंबल का अंदर,
रहता है, फिर बाद में उसको क्या होता है, गर्मी लगता नहीं क्या, पूरा निकल जाता है। और वो लोग भी को भी उड़ा दीजिए ना, फेंक देता है, उड़ने नहीं कोसता है। लोग बिछा दीजिए भले, आराम से सोएगा। हम लोग लंच करने के बाद सो गए थे थोड़ा सा। बगल में जो घर नहीं बन रहा जिनका, उनका मिस्त्री लोग, मेरा जो पानी पाइप गया ऊपर छत का ऊपर टंकी में, वो पाइप तोड़ दिए हैं। हम लोग को पता नहीं, वो टंकी से पूरा पानी गिर गया। वो लोग डर के मारे प्लास्टिक को, ऐसे सूखा वाला प्लास्टिक को लेके उसमें, और जहां पर टूट गया इतना सा ना छेदा हो गया, पानी तो टंकी में बिल्कुल नहीं है, गिर गया उस छेदा में, वो लोग पाइप को, ये प्लास्टिक को दबा दिया। लेकिन वो प्लास्टिक तो ज्यादा देर नहीं रहेगा। फिर हम लोग को बाद में वो लोग को मकान मालिक को बुलाया, फिर अपना ठेकेदार लोग को फोन किया, फिर बाद में हम लोग को बुला करके बोल रहा आंटी ऐसे ऐसे हो गया। हम थोड़ा गुस्सा गए, फिर बोले कल आप लोग का ठीक करा देंगे 9 बजे तक। तो मिस्त्री बुला के फिर दीवार तोड़ना पड़ेगा, फिर नया पाइप ला के वो लोग लगा देगा। ठीक है, लगा तो देंगे, लेकिन लेकिन हम लोग जो झेलने देंगे, शाम से हम लोग का पानी नहीं है। उनका मकान मालिक आके वहां प्लास्टिक पूरा चिपका कर, फिर क्या रबड़ रबड़ दे के वो ये जो छेदा हो गया, फूटा हो गया, उसको ठीक कराए। लेकिन कराने से क्या हो गया, थोड़ी ना पानी रहेगा। बोला ला, पावर भी नहीं था उस टाइम। वो बोल रहे हैं जो पावर आने से तब हम लोग घर जाएंगे। उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, जैसे ही वो लोग ठीक करा के गए, थोड़ा देर का बाद पावर आ गया। फिर हम लोग मोटर चालू किए, पानी भरे, कहीं भी नल में थोड़ा भी पानी नहीं था। जो उठ करके थोड़ा बाथरूम जाए कि कुछ किए करें, तो इसीलिए पानी बिल्कुल नहीं था, भरे हैं। लेकिन भरने से क्या हो गया, टॉप भर लिए, 2 गो बाल्टी भर लिए, उसका बाद थोड़ा देर बाद पानी पूरा खत्म, सब गिर जा रहा है। इसीलिए वो लोग बोले कल 9 बजे तो मिस्त्री नहीं आना, तो हम लोग क्या करेंगे, मिस्त्री आएगा तो ठीक कर देंगे। पहले तो हम थोड़ा गुस्सा हो गया, फिर बाद में मन को ठीक कर लिया, सही बात हो गया, जो अभी ठीक कराना पड़ेगा तब तो जाकर ठीक होगा। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। गुड नाइट, बाय।